आशा की किरण, हौसलों की उड़ान, संगठन है ताकत, जीत लेंगे जहां। ये बात है कुछ ऐसे सपनों के सच हो जाने की जिसकी कल्पना इस कहानी के किरदारों ने भी नहीं की थी। गुजरात का दाहोद जिला एक ऐसा क्षेत्र जहां घर के मुखिया के रोजगार को लेकर ही बड़ी समस्या हो, वहां महिलाओं के रोजगार की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। लेकिन अनिश्चितताओं के क्षितिज से ही सुनहरे भविष्य का सूरज निकला। नाबार्ड ने नारी शक्ति को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए। महिलाएं जब संगठन के रूप में आगे बढ़ी तो हर बाधा को पार करते हुए तरक्की का एक नया इतिहास लिखने लगी। नाबार्ड ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेकर दाहोद जिले में महिला स्वयं सहायता समूह यानी WSHG बनाए और उसके बाद इस जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं अपनी मेहनत और सूझबूझ से इतनी समर्थ बनी कि अपने परिवार को भी सहारा देने लगी। दाहोद के सभी 9 तहसील में बने प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूहों में 10 से 12 महिलाएं सदस्य बनी, जिसमें से किसी एक को समूह के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। हर सप्ताह होने वाली बैठक में महिलाओं ने अपनी अपनी ओर से निश्चित धनराशि समूह को दी और समूह की ही जरूरतमंद महिलाओं को ये राशि लोन स्वरूप दी गई। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप WSHG जिस के नाम से जो जाना जाता है, ये भारत सरकार के वित्त विभाग का एक स्कीम है जो 2012-13 से नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम भारत के 150 बैकवर्ड और LWE डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हैं, दाहोद और डैंग डिस्ट्रिक्ट। दाहोद में NM सदगुरु एंकर NGO है। एंकर NGO के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह बनाने, उनको आगे बढ़ाने और कालांतर में उनको बैंकों के साथ जोड़ने का काम हम इस स्कीम के तहत कर रहे हैं। जब मैं महिला ग्रुप की बात कर रही हूँ तो शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें रही, क्योंकि हमारी एक समाज व्यवस्था ये है कि हर बाहर के काम पुरुष करते हैं, घर का कारोबार महिला के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी महत्वता होते हुए भी उसको इतना स्थान नहीं मिल रहा है। तो हमने ये स्थान देने के लिए महिलाओं का जो कार्यक्रम ग्रुप बनाए, मंडल बनाए। तो मुझे लगता है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के कार्यक्रम में सशक्तिकरण पहले आता है और सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूहों में हो रही ऐसी तमाम गतिविधियों पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित सामाजिक संगठन सीधी नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाती है। ये 10-12 महिलाएं मिलके मिलती थी, एक साथ रहती थी अपनी मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में डिसाइड करती थी कि ये किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए 3 लोगों की उसमें से ज़रूरत है तो अधिकतम जिसकी ज़रूरत है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और उसको लोन सैंक्शन करा, जो जिसको हम आंतरिक धीरांड कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल लैंडिंग करी और इंटरनल लैंडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम SHG के कार्यक्रम को देखें, क्योंकि इंटरनल लैंडिंग के ही वो एक तरीका है जिसमें इन्हें हम लोन लेना और लोन वापस करना सिखाते हैं। गांव देहात में हो रहे यह कामों की संपूर्ण जानकारी नाबार्ड के एक ऐसे मंच तक पहुंचानी जरूरी हो जाती है जहां से न सिर्फ वास्तविक स्थितियों का मूल्यांकन किया जा सके लेकिन साथ में आने वाले समय की रणनीति पर भी विचार हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने ई शक्ति प्रोजेक्ट को शुरू किया, यानी ई शक्ति से WSHG को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ पे ई शक्ति पोर्टल हमारा 3600 SHG जैसे मैंने बताए हैं उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं SHG, उनकी रियल टाइम पोजीशन है, उसके थ्रू लोन एप्लीकेशन जनरेट होता है, लोन दिया जा सकता है ई शक्ति पोर्टल के ऊपर और लोन रीपेमेंट की डिटेल भी एनिमेटर्स हर महीने उसके अंदर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से पूरी सूचना जो है बैंकर को SHG के लिए इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाती है। महिला स्वयं सहायता समूह में इकट्ठे हुए पैसों से महिला सदस्यों का छोटा मोटा काम तो हो जाता था, पर महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के पीछे नाबार्ड का मूल उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और मुख्य धारा से जोड़कर सुनहरे भविष्य से जोड़ना था। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दाहोद के जनजाति क्षेत्रों की महिलाएं भी तैयार थी। जब नाबार्ड ने सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाया तो बुलंद हौसले के साथ महिलाएं खुद चल पड़ी।
नाबार्ड और उससे जुड़े एनजीओ की वजह से ही WSHG से जुड़ी महिलाओं को अलग पहचान मिली और बैंक से लोन लेने में आसानी भी हुई। दाहोद जिले के धानपुर में अगासवाणी, पीपोद्रा, भौरवा, सजोई, अदलवाड़ा, कुंडवाड़ा, ये 6 गांव ऐसे हैं जहां बैंक ने WSHG से जुड़ी महिलाओं को लोन दिया। यहां भौरवा गांव की ही बात करें तो नवजीवन महिला सखी मंडल की 10 सदस्यों को 1,00,000 रुपए का लोन मिला, जिससे भौरवा की महिलाओं ने 3-3 बकरियां खरीदी और आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ी। हम पहले घर पे थे, हमारा कोई व्यवसाय नहीं था। उसके बाद हम सखी मंडल में जुड़े, हमने पैसे बचाए, हमको संस्था से लोन मिली, हमने 5 दिन का प्रशिक्षण मिला, हमने बकरियों के प्रजाजन की तालीम ली और हमने बकरियों को खरीदा। उसके बाद वह जब 1 साल के हुए तो हमने नर बकरे को बेच दिया और मादा बकरी को रहने दिया, क्योंकि जब बकरी होती है तो दूसरे साल डबल फायदा होता है। ठीक इसी तरह सजोई गांव में भी सुधीर महिला मंडल को जून 2017 में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने 10,00,000 रुपए का लोन दिया। इससे इन महिलाओं के जीवन में क्या फर्क आया वह सुनो। बचत करके हमने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। एक बड़ी लड़की कॉलेज में है, उसकी साल में 2 बार फीस भरनी पड़ती है, एक बार 1150 भरे, दूसरी बार 1180 भरे। फिर मासिक तौर पर उसको दिन का 20 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। फिर आगे उसके पुस्तक खरीदने के लिए एक पुस्तक का 100 रुपए से लेके 8 पुस्तक खरीदे तो कितने 800 रुपए हो गए ना, पढ़ाई हो गई ऐसे। फिर गहने लिए और ऐसे ही खेती की और बीज का सबका काम हो जाता है। दाहोद के लिमखेड़ा जिले के ही उसरा और उसके आसपास के गांव के ये दृश्य है। उसरा गांव की सदगुरु सखी मंडल की महिलाओं को दूध देने वाले 2-2 मवेशी खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए का लोन दिया गया। हमें यह बात बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब ये महिलाएं पशुपालन करके हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए कमा रही है। मैंने नाबार्ड के पास से 17,50,000 की लोन ली। यह लोन लेके हम 30 लोग मेहसाणा गए और वहाँ से भैंस को खरीद के लेके आए और डेयरी का व्यवसाय चालू किया। दूध के व्यवसाय से हम वार्षिक 3,00,000 जितनी आमदनी कमा रहे हैं। हमारे बच्चे भी अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, हमारा जीवन और घर सब अच्छा हो गया है। नाबार्ड द्वारा स्थापित महिला स्वयं सहायता समूहों में से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कहानी दाहोद के गरबाड़ा तहसील की है। यहाँ पर अलग अलग 4 वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिए 89 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिससे अब तक 929 महिलाएं जुड़ चुकी है। इसी प्रोजेक्ट से 4,19,00,000 रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया। इस जगह नाबार्ड ने एनजीओ के साथ मिलकर WSHG की सदस्यों के वर्षों से चले आ रहे खेती के व्यवसाय को आसान कर दिया। नाबार्ड के प्रयास से ही बोरियावी खेडूत उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड से लोगों का जुड़ाव हुआ और इन किसानों को कृषि बीज, खाद और जंतुनाशक दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था नाबार्ड ने कर दी। गुजरात का दाहोद जिला वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है, जिससे यहाँ के लोग इतना ही सोच पाते थे कि खेती से साल भर का अन्न मिल जाए तो भी बड़ी बात। लेकिन नाबार्ड की कोशिश थी उनकी आमदनी के स्थायी स्रोत तैयार किए जाएं। नाबार्ड के वाड़ी प्रोजेक्ट से यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाएं ऐसी प्रोत्साहित हुई कि यह उनकी प्रिय गतिविधि बन गई। अब वे परिवार की आश्रित सदस्य नहीं है बल्कि वाड़ी के फल बेचते बेचते उद्यमी बन गई है। जिस खेत से सिर्फ और सिर्फ साल भर के अनाज की उम्मीद की जाती थी, वे अब कमाई का जरिया बन गए। वायुं की लिमखेड़ा के गोरीवा और उसारा गांव के महिला स्वयं सहायता समूह को ट्राइबल डेवलपमेंट फंड से लोन मुहैया कराया गया, जिससे सूखे खेत हरी भरी बाड़ियों में तब्दील होने लगे। कुछ महिलाओं ने अपने खेतों में फल उगाए तो कुछ ने सब्जियां उगाकर रोजगार का नया अवसर चुना। वाटरशेड प्रोग्राम के तहत हमने जो काम किया उसमें कुएं में पानी भरा है। पहले
गांव के लोग बाहर काम करने जाते थे, अब वो गांव में ही खेती करते हैं। कुएं में भी ज्यादा पानी मार्च जून तक रहता है, जिसकी वजह से गांव के लोग सब्जी और फल की खेती भी कर सकते हैं। बदलती दुनिया के साथ साथ ये बात भी सच्चाई है कि अगर ग्रामीण समाज का विकास करना है तो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड के प्रयास से बैंक ने आर्थिक सहयोग दिया, जिससे दाहोद के चिलकोटा और विसलंगा जैसे क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों की ओर प्रेरित हुए और अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खुद या अपने परिवार के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई, कंगन स्टोर, आटा पीसने की चक्की जैसे व्यवसाय में सफलता हासिल कर चुकी है। सबसे सकारात्मक बात यह है कि जितने भी महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया गया था वह समय पर बैंकों को लौटाया भी गया, जिसका परिणाम यह आया कि बैंकों का लोगों पर विश्वास बढ़ रहा है और अब तक 3-3 बार लोन लेकर महिला स्वयं सहायता समूह अलग अलग कामों में अपने हुनर का परचम फहरा रही है। ऐसे 100 से ज्यादा ग्रुप्स हैं जिन्होंने एवरेज 4 दफा रोल ओवर किया है और एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग देयर फाइनेंशियल लिमिट्स, तो उनको भी एक मोटिवेशन रहता है कि अगर हम रेगुलर रहेंगे तो हमको तो कुछ तो ज़्यादा मिलने वाला है, उससे बेहतर है कि दूसरे भी सोचते हैं कि इनको इतना अच्छा मिला तो हम भी कुछ बेहतरीन रिपेमेंट करें तो इतना अच्छा रहेगा। त्रीजी बार में लोन ली थी, एमा में करियाना की दुकान खोली छे, ये लोन हमें लाई 100 गाड़ा नु मंडप डेकोरेशन लाया, ते मोटर माटे लोन ली थी छे, मैं 20,000 नी लोन ली थी से भैंस माटे कपड़ा सीवानो मशीन ली थी बोर मोटर माटे, 20,000 नी लोन ली देली बोर नी मोटर लावा माटे, 40,000 नी लोन ली देली कुआ नी मोटर लाया था, 10,000 नी लोन ली थी तो मैं सिलाई मशीन लाई, मैं 50,000 ने लोन ली थी रिपेरिकेशन माटे, फिर मैं 20,000 ने लोन ली थी से गाय माटे, मैं लोन ली थी 10,000 ने गाय माटे, 20,000 ने लोन ली थी खेती ना काम में मशीन माटे। नाबार्ड के इन प्रयासों से न सिर्फ महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बनी बल्कि अन्य महिलाओं और समाज के लिए भी उदाहरण के तौर पर सामने आई।